मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिवालसर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत उन घरों को गैस चूल्हा और सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं जो अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के बल्ह के अंतर्गत रिवालसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन घरों को अभी तक गैस चूल्हे नहीं मिले हैं उनके लिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और गौ सदनों के निर्माण के लिए धनराशि जुटाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। गौ सदनों के निर्माण व रखरखाव के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपए का टैक्स लगाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में शीघ्र ही एक आयोग का गठन किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के उपरांत बल्ह क्षेत्र के उनके पहले दौरे के दौरान लोगों ने जिस उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया है उसके लिए वे उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का 6 महीनों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। विपक्ष के कुछ नेता उनके दिल्ली दौरों को लेकर अनावश्यक शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन अब जबकि राज्य को 4,365 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है तो उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार ने कई प्रमुख निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रिवालसर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा क्योंकि ये 3 धर्मों के अनुयायियों का स्थल है। रिवालसर को पर्यटन सर्किट के रूप में उभारने के लिए एशियाई विकास बैंक की योजना स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने बल्ह के लिए 42 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना स्वीकृत की है। वहीं उन्होंने घोषणा की कि मंडी दुर्गापुर सड़क मार्ग का सुधार किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में कुहल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए जारी करने और राजकीय उच्च पाठशाला चनवा खाबू को आगामी शैक्षणिक सत्र से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। हमने चनवंच एक लोगों के बीच में लोगों की समस्या के समाधान के लिए तय किया, अधिकारियों को तय किया कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस दिन जाकर के जो है गाँव में बैठेगा और हमारा कैबिनेट मंत्री जाकर के उस कैबिनेट में उस बैठक में जाएगा। अभी तक 2 जनमंच के कार्यक्रम हमारे हुए और दोनों जनमंच में जो जिस प्रकार के लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए काम हुए हैं उससे कांग्रेस के लोग परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए। अगर यही कार्यक्रम चला तो बहुत कठिन हो जाएगा। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में गांव में हम जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जहां भी जाते हैं हमारी गाय जिसको हम मां बोलते हैं, कहने के लिए तो मां बोलते हैं लेकिन चौक में गिरी पड़ी है, टांग टूटी है, कोई परवाह नहीं करता। क्या मां के प्रति ये श्रद्धा का भाव इस प्रकार का होता है? अगर मां बोला है, गाय को मां बोला है तो मां के प्रति हमारा जो है आस्था श्रद्धा का भाव आदर का भाव होना चाहिए। हमने एक बात तय की, हमने सरकार में अब की बार हमने कहा हम जो है एक अलग से कमीशन गठित करेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में एक बात को हम सुनिश्चित करेंगे, गाय कहीं भी होगी गाय को हम सड़क पर नहीं, गाय को सड़क से उठा करके जो है एक जगह जहां गौ सदन हम बनाएंगे, गौ सदन में रखेंगे और उसके उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वहां पर उसके लिए काम करेंगे। और इसी महीने में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे हम समाज के सब वर्गों का इसमें सहयोग लेना चाहिए और सहयोग लेने के लिए हमको सबको इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बल में आपके जो है नेचर में मेडिकल कॉलेज तो साथ साथ में होगा लेकिन हमने जो है वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी बहुत जल्दी हमने स्थापना की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मंडी जिला की उपेक्षा हुई और पूर्व मंत्री पंडित सुखराम के साथ राजनीतिक भेदभाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले के साथ बदले की भावना से कार्य किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार मंडी जिला की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, मंडी।